हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुप्रीम कोर्ट परिसर में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे मोदी। बिम्स्टेक देशों में आतंकवाद, मानव तस्करी और ड्रग स्मगलिंग की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्क देशों में मुख्य न्यायाधीशों से सीधी बात करेंगे। ये बातचीत 26 नवंबर को होने वाले संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में होगी। ये पहला मौका होगा जब कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी न्यायपालिका के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ सुप्रीम कोर्ट में बैठक करेंगे। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन देशों के न्यायाधीशों का ये पहला सम्मेलन है जो भारत में किया जा रहा है। उप रजिस्ट्रार राकेश शर्मा ने बताया कि ये सम्मेलन सुप्रीम कोर्ट परिसर में होगा। इसमें बांग्लादेश और म्यांमार के मुख्य न्यायाधीश तथा नेपाल, थाईलैंड और भूटान के वरिष्ठ जज भाग लेंगे। सम्मेलन में इन देशों की भूमि से होने वाली मानव तस्करी, आतंकवाद और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी की रोकथाम के कानूनों के अमल पर बातचीत होगी। सूत्रों के अनुसार रविवार को इस क्लोज डोर कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि ये पहला मौका होगा जब कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री न्यायपालिका के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश के साथ सुप्रीम कोर्ट में बैठक करेंगे। सीधी मुलाकात नहीं होती, राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह के अलावा प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश से कभी सीधे नहीं मिलते और सुप्रीम कोर्ट में तो ये कभी नहीं हुआ है। कोई बात करनी होती है तो दोनों में पत्र व्यवहार होता है, मुलाकात नहीं। वही मुख्य न्यायाधीश से केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर कानून मंत्री मिलते हैं, क्योंकि कानून मंत्रालय न्यायपालिका का प्रशासनिक मंत्रालय है। फैसले अगले दिन सार्वजनिक होंगे। इस कार्यक्रम के लिए फैसलों के बारे में अगले दिन सोमवार को संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति की मौजूदगी में सार्वजनिक किया जाएगा। ये बैठक लड़ाकू विमान राफेल की डील तथा देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई के प्रमुख को छट्टी पर भेजने के सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की पृष्ठभूमि में होगी। इन केसों में एनडीए सरकार की साख दांव पर है। मनमोहन ने पीएम मोदी को दी ये चार सलाह, कहा पद की गरिमा बनाए रखें। राजनीति में गिरते भाषाई स्तर के बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को पद की गरिमा बनाए रखने की सलाह दी है। डॉक्टर सिंह ने पीएम मोदी को पद की गरिमा बनाए रखने के अलावा संयम बरतने, अच्छे आचरण और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की सलाह दी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब फेबल्स ऑफ फ्रैक्चर्ड टाइम्स के विमोचन के मौके पर मनमोहन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी सलाह है कि वे संयम बरतते हुए प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी को गैर भाजपा शासित राज्य के दौरे के दौरान संयम बरतना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मोदी को अपने आचरण के जरिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए जो प्रधानमंत्री की नैतिकता के अनुरूप हो। प्रधानमंत्री को ऐसे समय में सलाह देना जब सार्वजनिक बहस का स्तर गिरता जा रहा है, खासकर चुनाव के दौरान, इस बारे में पूछे जाने पर मनमोहन ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के तौर पर जब भी भाजपा शासित राज्यों का दौरा किया करते थे, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ संबंध बहुत अच्छे होते थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके इस दावे की पुष्टि करेंगे कि संपर्क शासन के दौरान भाजपा शासित राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। 26/11 को मुंबई में हुई आतंकवादी हमलों की 10वीं बरसी पर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ समझदार तत्व पनपेंगे। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि कश्मीर जो हो रहा है वो उन पीड़ाओं का संकेत है जिनका कारण इन दोनों देशों के बीच खराब संबंध है। इस मौके पर मौजूद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नेहरू ने पीएम पद का जो स्तर कायम किया था, मोदी ने उसे गिराया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, मोदी गंगा माँ के पुत्र नहीं कुपुत्र है, ये उनके आचरण से सिद्ध हो जाता है। काशी धर्म संसद में हुई चर्चा में संत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुश नहीं नजर आ रहे हैं।
ऐसे में गंगा का मुद्दा उठाते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पीएम मोदी पर हमला किया और कहा कि मोदी जी अपने आप को गंगा जी का पुत्र कहते हैं, लेकिन वो गंगा माँ के पुत्र नहीं, कुपुत्र है। क्या है पूरा मामला? दरअसल 3 दिनों तक चलने वाली काशी धर्म संसद में चारों पीठों के शंकराचार्य के प्रतिनिधि समेत देश विदेश के कई साधु संत शामिल हुए। इस संसद में कई मुद्दों पर अहम बातचीत हुई, जिसमें साधु संत पीएम मोदी से खुश नहीं नजर आए। ऐसे में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन पुत्र कभी कभी कुपुत्र हो जाता है। तो पुत्र तो वो है, यानी कि पीएम मोदी, क्योंकि वो खुद को कहते हैं कि मैं गंगा माँ का पुत्र हूँ। तो हम इसे कैसे खारिज कर दे कि वो पुत्र नहीं है? लेकिन उनके आचरण से ये सिद्ध हो जाता है कि वो गंगा माता के सुपुत्र नहीं बल्कि कुपुत्र है, क्योंकि उन्होंने गंगा माँ के नाम पर सत्ता हासिल की और गंगा माता की कोई सुध नहीं ली। यहाँ तक कि काशी में आकर कभी गंगा में उन्होंने कभी स्नान भी नहीं किया। इसके साथ ही जब वो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ काशी आए थे, तो वो जूता पहने हुए सीधे रैंप पर से नाव में चढ़ गए थे और यात्रा करके सीधा उतर गए थे। उन्होंने गंगा माँ को प्रणाम तक नहीं किया। राम मंदिर पर भी मोदी सरकार को घेरा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सिर्फ गंगा माँ का मुद्दा ही नहीं बल्कि राम मंदिर का मुद्दा भी उठाकर मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि राम मंदिर को लेकर लगातार वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और उनका मंदिर निर्माण का कोई इरादा नहीं है। इसके साथ ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि राम मंदिर के मुद्दे में राजनीतिक दलों के साथ साथ न्यायालय को भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर बनाना मुद्दा नहीं है बल्कि जन्मभूमि मुद्दा है और राम जन्मभूमि हिंदुओं की है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दागा सवाल। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब राम जन्मभूमि की 67 एकड़ जमीन पहले से ही सरकार के पास है, तो फिर किस चीज का अध्यादेश लेना है? अध्यादेश लाने की बात तब सही होती अगर 67 एकड़ जमीन किसी और के पास होती तो। नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी का नाम लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से ये बोले फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करने के लिए निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए क्या किया। अब्दुल्ला ने कहा, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो ये उनके कारण है। उन्होंने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें बड़ा सोचना चाहिए। अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न ना देने के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, नेहरू ने इस देश में क्या योगदान दिया ये भूलने के स्तर पर गुणवत्ता कम हो गई है। इंदिरा गांधी ने इस देश को क्या दिया, उन्होंने अपना जीवन दिया। राजीव गांधी और अन्य प्रधानमंत्रियों ने क्या इस देश को बनाने के लिए अपना पूरा समय नहीं दिया। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो ये उनके कारण है। उन्होंने कहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मेरी माँ को गाली दिया, मेरे बाप को गाली दिया, क्या ये पीएम के स्तर का है? मैंने अपनी भाषा में अपने पिता और माँ का कभी भी उपयोग नहीं किया। इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें बड़े तरीके से सोचना चाहिए। अब्दुल्ला ने आगे कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे बताया था कि जब उन्होंने अपना पहला भाषण दिया तो नेहरू उनके पास आए और कहा, अटल, आप एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। वो आरएसएस पृष्ठभूमि से आते थे। उन्होंने महसूस किया कि इस देश को एक के द्वारा नहीं बनाया जा सकता बल्कि सभी जरूरी है। जिन्होंने इसे अतीत में बनाया है उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा है कि उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देना चाहिए था जब वह स्वस्थ और जिंदा थे। मोदी सरकार ने जारी किया संशोधित जीडीपी डेटा, घटाया मनमोहन सरकार की जीडीपी ग्रोथ रेट। केंद्र की पिछली सरकार मतलब मनमोहन सिंह की सरकार की जीडीपी ग्रोथ का डेटा जारी किया है। इसमें मनमोहन सरकार की जीडीपी का ग्रोथ रेट ही कम हो गया है। ये डेटा 10 साल का जारी किया गया है। डेटा को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और चीफ स्टैटिस्टिशियन प्रवीण श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया है। सेंट्रल चीफ स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि सीएसओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मनमोहन सिंह के समय में 2010-11 वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 10.3% के बजाय 8.5% थी,
वहीं वित्त वर्ष 2012 के लिए जीडीपी ग्रोथ को 6.6% से घटाकर 5.2% कर दिया गया है। दरअसल अब जीडीपी ग्रोथ को निकालने का नया फॉर्मूला बनाया गया है। इस फॉर्मूले के मुताबिक मनमोहन सरकार का जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गया है। वित्त वर्ष 2006 में पुरानी सीरीज के हिसाब से 9.3% जीडीपी ग्रोथ, जो नई सीरीज में 7.9% है। वही वित्त वर्ष 2007 में पुरानी सीरीज के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ 9.3% थी, वो घटकर 8.1% हो गई। वित्त वर्ष 2008 में पुरानी सीरीज में जीडीपी 9.8% थी, जो नई सीरीज में 7.7% हो गई। वित्त वर्ष 2009 में जीडीपी की दर पुरानी सीरीज में 3.9% और नई सीरीज में 3.1%। इसी तरह वित्त वर्ष 2010 में पुरानी सीरीज के हिसाब से जीडीपी की दर 8.5% थी, जो नई सीरीज में 7.9% हो गई। वित्त वर्ष 2011 में पुरानी सीरीज के हिसाब से जीडीपी की दर 10.3% थी, जो नई सीरीज में 8.5% हो गई। इसी तरह वित्त वर्ष 2012 में जीडीपी की दर पुरानी सीरीज के हिसाब से 6.6% थी, जो 5.2% हो गई। इस दौरान यूपीए का कार्यकाल था। इन आंकड़ों में ताजा सर्वे और सेंसस के डेटा को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें नई सीरीज के रिटेल और थोक महंगाई के आंकड़े भी जोड़े गए हैं। इसमें स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड कंपनी सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीए को भी शामिल किया गया है। 2011-12 सीरीज के हिसाब से वित्त वर्ष 2013 के लिए जीडीपी 5.5%, वित्त वर्ष 2014 के लिए 6.4% है। नई सीरीज के हिसाब से वित्त वर्ष 2015 के लिए जीडीपी 7.4%, वित्त वर्ष 2016 के लिए 8.2% और वित्त वर्ष 2017 के लिए 7.1% है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।